नवरंगपुर जिले में वर्तमान पर्यंत बाल्य विवाह भी कुसंस्कार विभिन्न ब्लॉक व पंचायत देखा मिले। जिला प्रशासन बाल्य विवाह को रोक ए नाबालिका को आत्मनिर्भर कर समाज मुख्य स्रोत में सामिल कर प्रयास बेस प्रशंसन सहायक केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना कार्यकारी पर नवरंगपुर जिले में बाल्य विवाह प्रथा को रोकवे जथेष्ट प्रयास आरंभ हो तेरे बाल्य विवाह पीड़िता आशार आलोक साजिश योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सेना देखा बंचवार नूतन राह। नवरंगपुर जिलार नंदाहांदि ब्लक सिंधिगुड़ा ग्राम से रहे 20 वर्षिया अन्नपूर्णा हरिजन कोल में तार 5 वर्षिया झीटे परिवार कहले मां भाई आउता झील उपयुक्त शिक्षा और सचेतनतार अभाव जो अन्नपूर्णा दशम श्रेणी में पढ़ुता बेले ही से बाल्य विवाह शिकार होता तेरे मात्र वर्षक पर स्वामी द्वितीय बह कौन शिशु कन्या को धरी से मां घर को फेरी दिन मजुरीया भाई उपरे बोझ न हो से खोजी रोजगार पंथा ठीक से ही समय पाखक आशार आलोक हो आ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना। नवरंगपुर ठारे थिबा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल केन्द्र में से तीन मास धरी मागणारे रहिबा खाइबा सुविधा सह सिलई तालीम ग्रहण करते तालीम पर अन्नपूर्णा को कर्णाटक राज्य त्रिपुरा ठारे प्लेसमेंट लिंकेज मासक 8500 टंका दरमार चाकरी मिलता 6 मास काम करने से एवं घर को फेरी झीलपाई पुणी एप्रिल मासरे से चाकरी स्तर को फेर भूलर पुनरावर्ती नकरी अतीत को न फेरी नुआ रास्तार चल आगभर अन्नपूर्णा निज झीलपाई एक सुनेली भविष्य गढ़ी आग को बढ़ापी चाहूँ से। जिला नवरंगपुर ब्लॉक नदाहांडी मगा सिंधिगुड़ा अन्नपूर्णा हरजन मो गाँव थिला बेले मो पाठ पढ़ू तापर पाठ पढ़ू तापर मो 10th क्लास पढ़वा बेले मो गोट पुओ ताकु लव मैरिज करली घर लोक किए जानी नथिले कि माँ बापा जानी नथिले तापर मो भारी गली भारी गलारू बर्षे 1.5 वर्ष हेलारू मते घरे आनी दी आउ थरे जाकी आउ गोट झीव को आनी दी कि मते डाकबा पई आसले डाकबा पई आसलारू मुई गली नाई तापर नंदाहांडी रे गोट मीटिंग हेला मीटिंग हेलारू आमे सिटी जाइथिलु जाइथिलु सुनिबाकु पाइलु जे ट्रेनिंग नेबा पई समस्त आस बोली कहउथिले नंबर दे से नंबर रु आमको कॉल कर डकालू आम अंबिका मैम पाखे जामें कथबार्ता होपर डी डी आई जी के ट्रेनिंग नेबापाई आम सीटी गलु 3 मास जाक भल भाव ट्रेनिंग देले असुविधा किसी हेपाई देले नाईपर आमको ट्रेनिंग दे कि त्रिपुरा पठाई आमको फोन करूले भल अच कि कहते आम भल अच्छू कौलु तापर सीटी भी भल देखा देखी करते कि असुविधा न होता से दूर आम जापर पैसा पतर के पठाइली तापर मुझे केत धरिकी तापर मो देह भल ना झीर देह भी भल ना सीटापी आसची आउ ए मत इच्छा लगुच आवि तो डीडी यू के जीके भाई डीडी आई जे के हां ठीक है डीडी जे के तालीम नेला रु मु निजे गडे निजे ठिया हे पाली हां डीडी आई जे के ट्रेनिंग नेला रु मु निजे गडे निजे ठिया हे कि पारली आ किछि माने एते किछि जानि नथिली छोटो टू बडा ई घरे थिली सिटी गला रु बहुत किछि सिखबा को पडला आ बहुत किछि जानबा को भी पाइली बाहर देश किटा मु जानि नथिली सिटी गला रु मैरेज ला लाइफ सेट के जी नथि बि जे बे जत के जीउ छी। वनिता पुजारी मो बाबा को नाम रतन पुजारी मोर गाँव रहा चोरामूला मु 9th क्लास रे पढ़ु थी पाठ तापर लव मैरेज करी तारे घरे मो बाबा माँ मत घरे आारे अगनवाड़ी मैंने मत नहीं डीजी वे चाड़े तापर सीटी सिलई कम शिखिली तापर त्रिपुरा जा घर को आसरी त्रिपुरा जीवि एवं पैसा रोजगार करने चाहिए बाबा चाहूना जिलार पापड़ाहांडी ब्लॉक चरामूला ग्राम से रहे 17 वर्षिया वनिता पुजारी नवम श्रेणी में पढ़ुता बेले बाल्य बह कर वर्ग और ब्लॉक प्रशासन ताक उद्धार कर घर को फेर आनी पर वर्ग को काउनसलिंग करने वनिता नवरंगपुर ठारे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल केन्द्र में सिलई तालीम प्रदान करा वनिता को भी प्लेसमेंट लिंकेज में मासक 8500 टंका दरमार चाकरी मिलता 6 मास काम करने से घर को फेरी दशम श्रेणी परीक्षा देवाई परीक्षा सरले वनिता पुणी थे चाकरी स्थान को फेर निजे रोजगारक्षम होगापी झील को पाठ पढ़ाई स्वावलंबी करने को चाहती परिवार वर्ग वनिता भी प्रस्तुत निज गोड़े निजे
निज ठिया हेबापाई पाठ पढ़ा सह स्वरोजगारक्षम होगाक चाहूँगी से विवाह परिवर्ते निज परिचय खोजिबारे व्यस्त हे वनिता केवल अन्नपूर्णा कि वनिता नुहंती बाल्य विवाहर शिकार होता एपरी अनेक महिला और युवती केन्द्र सरकार ध्वजाधारी योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना सहारा होई भविष्य गढ़ापी स्वाभिमान बचाप आशा और विश्वास मो झ लव मरज कर गला अलग गाँव में गोटे बर्ष थिला गोटे बर्ष थिला परे झियो गोटे हैला झियो हैलारु आठ मास के केते ही थिला आर झियो को आनी देला घरे आनी दिखिना आरी पलाइला आरी अलग माइकिना गोटे आनला आनला रु मुई जीवी नाई बोली कहलारु हाँ जीवु ना हेल जा नाई बोली किना कहलु घरे रही गला रो रो दु तीन वर्ष हैला के अंगनवाड़ी दीदी मन कहले कि अन्नपूर्णा तु का सिलाई टेलरिंग जा बोली कर कहले तब माँ मुझे जीवी बोली कहला कहलारु का से नवरंगपुर तीन मास खटला रु त्रिपुरा पटाइला अमिका मेमन छस पैसा अदे घरे पटाइला आरी से खर्च करला आरी भल भाव आम चलू आरी सुविधा मिसा हैला निजे गोड़े निजे ठिया हेलु आरी आगे हमके गोटे चिंता थिला अन्नपूर्णा बापा नाई माँ गोटे भाई गोटे आर झी गोटे तीन लोक थिलु एबे टिके सुविधा हैला हमको एबे झी गोटे अच्छे से झी को पालबार अच्छे से गोटे हमको सुविधा गोटे कुकाम मिसा गोटे सटा गोटे मो झी को जगह दियो सेठी जब भल लगुच दीदी झील को पठाइब आठ एका रही गोटे पांच वर्ष तो पूरु बोल से पु पांच वर्ष जगह ना आरी से रोब पचे पांच वर्ष पूरला झील आर आसब आर बाहर रही से कम बयस जीवार तो पठाई सिलई ट्रेनिंग त्रिपुरा तो जाए तो नवरंगपुर नवरंगपुर ट्रेनिंग तीन मस रहा नवरंगपुर से घरे आसला घरे आसिकिना मसे आपर त्रिपुरा गला त्रिपुरा रे काम कला चार मस काम कला सिलई आमको भल लगुच माँ आम आसबू ना घर बोलते तार दादा गोटे देह सुविधा लग कर आर बाटे सी आसलू सी आज्ञा मन कहले गोटे परीक्षा देवाई परीक्षा दब तार मैट्रिक परीक्षा गोटे देव तार सर्टिफिकेट गोटे आनब बोल कि बुझेला आमको नहीं आरे केवे कौटी तुम बा दे भी तो तार सर्टिफिकेट खोजे बोल कि कहले सार मैंने ना झील को कहलु आसला शिवानी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट काउंसलर अच्छी आउ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनार जी झील मैंने अच्छा से मैंने अशिक्षित बेकारी झील मन को आनी काउंसलिंग करें ट्रेनिंग दौ आमकर ट्रेनिंग पीरियड रहा खाइबा सब फूडिंग पूरा फ्री नंदाहांडी ब्लॉक काउंसलिंग ब्लॉक ऑफिस रे काउंसलिंग कैंप हेतिला सेठी जाई थिली से झोडा आस्तिला रजिस्ट्रेशन कला तापर मु ताको परफेक्टली काउंसलिंग कली तार फाइनेंशियल प्रॉब्लम थिला आउ डिवोर्स हेतिला तो छोटो झियोटे भी थिला तार फाइनेंशियल प्रॉब्लम जोगु मु ताको आनी कि आम सेंटर रे 3 मास ट्रेनिंग देली आउ से बहुत खुशी थिला आउ ट्रेनिंग नबा पर से बाहर प्लेसमेंट जीवा पे इंटरेस्टेड थिला किंतु घर लोक इच्छा प्रकाश कर नथिले तेनो मु तांको घर लोक को भी बहुत जाहि के रिक्वेस्ट करथिले कला पर से प्लेसमेंट पे राजी हिथिले स्कीम रे सब करा से एटा हला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना स्कीम रे से माने बाहर को जाइथिला आउ 6 मास से प्लेसमेंट रे थिला पुणी वर्तमान तारो झियोर सीरियस थिला बोले आसी पुणी से बे प्लेसमेंट भुवनेश्वर नले खोर्धा जीवा पे राजी अछि आउ गोटे मास भितरे जीव से जिमि थिले तो आपण मन केते असुविधा हला केमति तांको काउंसलिंग करले केमति बुझैले जे डीडी होछि कि एटा तांको लाइफ को चेंज करि परबे कौन कहते घर लोक कौन घर लोक तो गोटे बोली झियो छोटे झियो छि छाड़ी से ट्रेनिंग नहीं पारिबो नै आउ से चाष जमी को जीव कम कर रोजगार कले से सद्या आणले घर बार घर मानने
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ତିନି ମାସ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ଟ୍ରେନିଂ ନେବ ତାହେଲେ ଘରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ମନା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମାନେ ସେ କେଉଁଠିକୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗଲା, କେମିତି ରୋଜଗାର କଲା? ସେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେପିଆର୍ 3 ମିଲ୍କୁ ଗଲା, ଆଉ ମନ୍ଥଲି ତା'ର 8,500 ସାଲେରି ଥିଲା, ରହିବା ଖାଇବା ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି ବି ତା'ର ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା? ଏବେ ଆମର ଯେଉଁଟା କରାହେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କରାହେଇଛି, ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତା'ର ମିନିମମ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ମନ୍ଥଲି ସାଲାରି 8,000 ରହିବ, ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ନିଜେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅରମାସ ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା, ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆମେ 2 ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଚାଲୁଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ କି 18 ବର୍ଷର ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ବିଗତ କିଛି ଦିନରେ ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରାଯିବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଣାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଅରମାସ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର DDUGKR ସିଲେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ସିଲେଇ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 79 ଜଣ ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ସେଠାରେ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି DDUGKR ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁଦୂର ତିରୁପୁରକୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ସେଠାରେ ଚାକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ମାସକୁ 8,500 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଯାଆସ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବରଦାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି ଅରମାସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଏଥିରେ ବୟସ ସହଯୋଗ ହୋଇ ଭାରତ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ସେଥିରେ DDUGKR ଗୋଟେ ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକିବାରେ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଯେଉଁମାନେ ପୀଡ଼ିତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆଣିବାରେ ବେଶ ଯତ୍ନବାନ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।